तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। एक्सरसाइज है आपकी 13.2 क्लास 10 के लिए सॉल्व कर रहे हैं। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, द गुलाब जामुन कंटेनिंग ए शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम, यानी कि गुलाब जामुन जो है वो अपने वॉल्यूम का 30% यानी 30% जो है जो शुगर की उसमें चाशनी होती है उसे एब्जॉर्ब करता है, उसे कंटेन करता है, ठीक है ना। अच्छा, फाइंड द अप्रोक्सीमेट हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन द 45 गुलाब जामुन। हमें बताना है कि 45 गुलाब जामुन में कितनी चाशनी की मात्रा की आवश्यकता होगी या उसके अंदर कितनी चाशनी उसके अंदर जाएगी, ठीक है ना। अब आगे कह रहा है क्वेश्चन, ईच ऑफ द सिरप लाइक ए सिलेंडर, अच्छा शेप्ड लाइक ए सिलेंडर, जो हरे के गुलाब जामुन है आपका वो क्या है, सिलेंडर शेप का है, विद टू हेमिस्फीयर एंड ऑफ द लेंथ 5 सेंटीमीटर, यानी ये हमने गुलाब जामुन का आपको जो है एक डायग्राम बना के दिया हुआ है। ये सिलेंडर शेप का है जिसकी टोटल जो गुलाब जामुन की जो हाइट है वो क्या दी हुई है, यानी उसकी लेंथ जो दी हुई है वो क्या है, 5 सेंटीमीटर आपको दी हुई है, ठीक है ना। अच्छा आगे बढ़ते हैं, एंड द डायमीटर इज 2.8, सॉरी नॉट अ 2.5, इट्स गिवन 2.8, ओके ठीक है। एक बार मैं क्वेश्चन में और वेरीफाई कर लेता हूं, हाँ जी 2.8 सेंटीमीटर है, ठीक है ना, 2.8 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिए, अगर 2.8 सेंटीमीटर इसका डायमीटर है यानी डी की वैल्यू, तो गिवन क्या है आपको, डी की वैल्यू क्या है 2.8, तो आर यानी रेडियस क्या हो जाने वाली है, रेडियस क्या हो जाएगी, डी अपॉन 2 इज इक्वल टू 2.8 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1.4, तो रेडियस जो है वो हमारी कितनी हो गई, 1.4, ठीक है ना, 1.4 हो गई। अब हमें क्या दिया हुआ है, जो अब देखिए 1.4 होगी आपके रेडियस इसकी, ठीक है 1.4 होगी रेडियस, तो जो रेडियस है आपकी इसकी, जो इसके हेमिस्फीयर जो आएंगे हेमिस्फीयर पार्ट की भी रेडियस कितनी है, 1.4 हो जाएगी, क्योंकि दोनों जो है वो उसके रेडियस के इक्वल जो है कंटेन है, यानी जो सिलेंडर शेप है उसके अंदर दोनों जो है वो बिल्कुल इस टाइप से जुड़े हुए हैं, जैसे एक टॉप पर इस टाइप से और सेम इसी तरीके से बैक साइड पर, ठीक है ना। तो अब हमें क्या दिया हुआ, अगर मैं दोनों ही सिलेंडरों की जो आपके जो हेमिस्फीयर है इनकी रेडियस अगर मैं माइनस कर दूं, तो जो सिलेंड्रिकल पार्ट ऑफ द रसगुल्ला जो है यानी गुलाब जामुन जो है, तो वो कितनी हो जाएगी, उसकी हाइट 2.2 हो जाने वाली है, जो उसकी हाइट हो जाएगी h की वैल्यू क्या हो जाएगी 2.2। तो अब देख लेते हैं आपको क्या गिवन है, हमने रेडियस कर ली, अब गिवन क्या है, h ऑफ गुलाब जामुन, गुलाब जामुन हाइट ऑफ गुलाब जामुन कितनी होगी 2.2, ठीक है ना, r की वैल्यू दोनों में सेम है 1.4 है, ठीक है ना। अब हमसे पूछा है कि वो कितने 45 जो आपके गुलाब जामुन होंगे उनमें कितनी चाशनी आने वाली है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन का फॉर्मेट बनाते हैं, हमें एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे और हमें पता है कि एक गुलाब जामुन का 30% आ रहा है, तो उसके वॉल्यूम का 30% निकालेंगे और उसमें क्या करेंगे 45 की मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। तो बिल्कुल इसी तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो हम देखते हैं जो वॉल्यूम ऑफ द शुगर सिरप, इसे किस तरीके से लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ, पहले तो हम गुलाब जामुन कर लेते हैं, ऑफ गुलाब जामुन, GULAB गुलाब जामुन, ठीक है ना। तो उसका वॉल्यूम अगर हम निकालते हैं तो वॉल्यूम क्या आने वाला है, तो देखिए सिलेंडर का जो है आपका सिलेंड्रिकल पार्ट जो है इसका वॉल्यूम प्लस 2 into हेमिस्फेयर वॉल्यूम, तो मैं इसमें ऐड कर देता हूं, तो देखो क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिक पार्ट प्लस क्या हो जाएगा 2 into वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट, ठीक है ना। हेमिस्फेरिकल पार्ट ऑफ गुलाब जामुन, तो देखिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, तो यानी सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है स्टूडेंट, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, और प्लस क्योंकि दो हैं जो हेमिस्फीयर जो होंगे वो एक टॉप पे भी है और एक बॉटम पे भी, यानी दोनों टिप्स पे है, तो यहां से क्या करेंगे 2 into वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, तो स्टूडेंट वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब, क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब, तो यहां से अगर हम देखें देखो 2 पाई की वैल्यू रख देता हूं 22/7, रेडियस क्या है आर की वैल्यू क्या है 1.4, तो 1.4 इंटू स्क्वायर है तो 1.4 हो जाने वाला है, एच की वैल्यू क्या है, एच की वैल्यू है 2.2 प्लस लगा लेते हैं, और फिर से
टू इंटू टू इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर, फोर अपॉन थ्री इंटू पाई की वैल्यू रख देते हैं 22/7। रेडियस कितनी है, वही सेम 1.4 × 1.4 × 1.4 क्यूब में हो गए। अब अगर आप इसकी कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो देखिए डेसिमल अगर मैं हटाता हूं तो यहां पर 70 हो जाएगा, 7 से अगर मैं इसे डिवाइड करता हूं 10 टाइम ये 2 टाइम हो जाएगा, फिर से इसे डिवाइड करूंगा एक जीरो और बढ़ जाएगी, इससे डिवाइड करूंगा 50 टाइम, फिर से मैं यहां से डिवाइड करता हूं तो फिर से एक जीरो बढ़ जाएगी और ये 22 और ये क्या है, अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूं 250 टाइम और ये 11 टाइम। अब 11 × 22 / 250 और प्लस आगे इससे भी सॉल्व कर लेते हैं तो सेम बिल्कुल इसी तरीके से हो जाएगा। अगर मैं यहां से डेसिमल हटाता हूं तो ये क्या हो जाएगा, जीरो बढ़ जाएगी, ये 7 से 2 टाइम और ये 10 टाइम, ठीक है। फिर से हटाता हूं मैं इसे तो एक और जीरो बढ़ गई, एक और हटाता हूं तो एक और जीरो बढ़ जाएगी, ठीक है। अब अगर मैं इसे 2 से डिवाइड करता हूं 7 टाइम ये 500 टाइम, फिर से 2 से डिवाइड करता हूं 7 टाइम और ये 250 टाइम। अब देखिए 4 × 22 × 2 × 7 × 7 करेंगे हम और 3 × 25 यानी 75 इससे डिवाइड करेंगे और प्लस इसकी अगर मैं कैलकुलेशन दोनों की करता हूं इस पोर्शन की और इस पोर्शन की अगर मैं गुणा भाग कर लेता हूं तो आपके वीडियो का मैं थोड़ा समय बचा देता हूं तो वो जो आपका निकल के आएगा कितना आएगा 13.552। तो स्टूडेंट क्या बन जाएगा इसकी पोर्शन की पूरी 13.552 प्लस। अब अगर हम इस पोर्शन की करते हैं 4 की मल्टीप्लाई 22 में करेंगे तो क्या हो जाने वाला है 88 × 2 × 7 × 7 / 3 × 25 इक्वल टू क्या हो जाएगा 75 और मैं उससे प्रोडक्ट को अगर उसमें से मैं डिवाइड करता हूं तो स्टूडेंट आंसर क्या आएगा 11.498। क्या आने वाला है 11.498, ठीक है। दोनों को सम कर लेते हैं, दोनों को हम सम करेंगे जोड़ने पे हमें यहां से आंसर मिलेगा 25.05 सेंटीमीटर क्यूब। यानी कि जो वॉल्यूम ऑफ रसगुल्ला जो आपका आया है, वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन या रसगुल्ला, तो वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन कितना होगा 25.05 सेंटीमीटर क्यूब। अब आपसे क्या कहा है कि इसमें शुगर सिर्फ सिर्फ कितना आएगा, उसका वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन का 30%। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, इसका 30% निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें देखना है कि गुलाब जामुन है कितने, गुलाब जामुन हमें नंबर ऑफ गुलाब जामुन कितने दिए 45। तो पहले हम एक गुलाब जामुन से हम क्या करेंगे 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे। तो हम क्या करेंगे एक गुलाब जामुन के वॉल्यूम में 45 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम हमें पता चल जाएगा। आइए देखते हैं, आपको दिखाई दे रहा है यहां पे, अभी है आपके पास में स्पेस तो कर लेते हैं वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन। तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा 25.05 × क्या करेंगे 45 की मल्टीप्लाई कर देंगे। किसकी मल्टीप्लाई होगी 45, दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें यहां से मिलेगा कितना 1127.25 सेंटीमीटर क्यूब। तो जो आपको गुलाब जामुन का 45 गुलाब जामुन का जो वॉल्यूम आया है वो कितना आ गया है 1127.25, ठीक है ना। तो ये तो अब आ गया आपका जी 45 गुलाब जामुन का जो है वॉल्यूम। अब हमसे कहा गया है, अब हम यहां पर इसे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, जगह थोड़ी सी कम हो गई है तो मैं इधर सॉल्व कर लेता हूं। अब बात आती है कि इसमें कितनी चाशनी की आवश्यकता पड़ेगी, तो हमें क्या करना है, हमारे पास जो गुलाब जामुन है उसका वॉल्यूम कितना 30% वॉल्यूम हो रहा है, किसका शुगर सिरप लग रहा है। तो हम क्या करेंगे शुगर सिरप की मात्रा अगर हम निकालते हैं तो कितना हो जाएगा 30% ऑफ गुलाब जामुन का 45 गुलाब जामुन वॉल्यूम, 45 गुलाब जामुन वॉल्यूम, थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं, तो 30 × वॉल्यूम कितना था इसका 1127.25 और अपॉन क्या करेंगे परसेंटेज निकालेंगे तो 100, जीरो से जीरो क्या हो जाएगी कैंसिल हो जाएगी और 1127.25 की हम करेंगे 3 में मल्टीप्लाई और फिर कर देंगे हम इसे 10 से डिवाइड। तो हमारा आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट 338 और डेसिमल में क्या हो जाएगा 17 यानी 338.17 सेंटीमीटर क्यूब जो है आपकी सिरप की मात्रा इसमें लगेगी। और अब आप इसे राउंड फिगर में नोट करना चाहते हैं तो हम इसे क्या कर देंगे 338 यानी 338 सेंटीमीटर क्यूब। तो ध्यान दीजिए क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था, क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि इसमें
जो है आपका कितने उसकी मात्रा लगने वाली है, ठीक है ना। गुलाब क्वेश्चन क्या था, एक गुलाब जामुन में उसके आयतन के लगभग 30% चीनी की चाशनी प्रयोग होती है, तो 45 गुलाब जामुन में लगभग कितनी चाशनी निकलेगी की आवश्यकता होगी। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एप्रोक्सीमेट हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन द 45 गुलाब जामुन। तो स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर जो था ये 3 कंप्लीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 4 में मिलते हैं।